दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गुलशन चौधरी। आपने चिकन पॉक्स, चिकन गुनिया के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने बंदर वाली बीमारी के बारे में सुनी है? जी हाँ, बंदरों वाली बीमारी यानी मंकी पॉक्स। आप में से कई ने इस बीमारी के बारे में कई बार पढ़ा और सुना ही होगा। अगर नहीं तो हम आपको आज ऐसी ही बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि मंकी पॉक्स आखिर है क्या। तो मंकी पॉक्स मानव चेचक के समान एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है। यह पहली बार 1958 में शोध के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था। मंकी पॉक्स से संक्रमण का पहला मामला 1970 में दर्ज किया गया था। यह रोग मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में होता है और कभी कभी अन्य क्षेत्रों में भी पहुंच जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अभी हम आपको क्यों बता रहे हैं, तो बात दरअसल ये है कि अब तक भारत में मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं और दुनिया भर में इसके मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए WHO ने हाई अलर्ट जारी किया है। WHO ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल यानी ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी घोषित किया है। इसका मतलब है कि WHO अब मंकी पॉक्स के प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरे के तौर पर देखता है और इससे निपटने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की जरूरत समझता है। गौरतलब है कि WHO ने आखिरी बार जनवरी 2020 में COVID-19 के प्रकोप के जवाब में वैश्विक आपातकाल जारी किया था। इसका मतलब है कि दुनिया को अब मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर सचेत हो जाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की यह चेतावनी किसी भी देश को एक बीमारी से निपटने के जरूरी कदम उठाने के लिए बाध्य करने के लिए नहीं है। यह अलर्ट इस बीमारी को लेकर तुरंत एक्शन में आने के लिए है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने पिछले महीने मंकी पॉक्स के लिए वैश्विक आपातकाल घोषित करने से इनकार कर दिया था, लेकिन पिछले कई हफ्तों में संक्रमण काफी हद तक बढ़ गया है, जिसने WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस को हाई अलर्ट जारी करने के लिए मजबूर कर दिया। WHO के आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक 75 देशों में मंकी पॉक्स के 16,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। जून के अंत से लेकर जुलाई की शुरुआत तक पुष्टि किए गए संक्रमणों की संख्या में 77% की वृद्धि हुई है। साथ ही सबसे चौंकाने वाली बात है कि पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुषों को इस समय संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। WHO ने बताया है कि इस वक्त मंकी पॉक्स के प्रकोप कई देशों में है। यह बीमारी उन देशों में भी फैल रही है जहां आमतौर पर यह बीमारी पहले नहीं पाई गई है। इस बीमारी की चपेट में खासकर समलैंगिक यानी गे और उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल पुरुष आ रहे हैं। इसके लक्षण अक्सर जननांग और गुदा पर चकत्तों के तौर पर उभर रहे हैं। इसी वजह से डॉक्टर इसे दाद या सिफिलिस समझ रहे हैं। तो हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।